ओ जी भाई, तो रात मौसम बहुत ठंडा था, बारिश पड़ी है खूब सारी, देख सकते हैं आप दोस्तों कितना पानी भर रखा है। मगर हमारे पीछे अभी चेक करेंगे सेफ है या नहीं, बाकी पानी बहुत पड़ा है रात दोस्तों, खूब सारी बारिश हुई। तो ये देखिए खाली किया था मैंने, पूरा भर गया और इसमें पानी भर गया पूरा, इसमें भी पानी भर गया पूरा, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। और भाई पानी देखो इस छत पर कितना पानी भरा हुआ है, इसको भी निकालना होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हैं, एकदम फर्स्ट क्लास से होंगे और आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे, आपके पेट्स वगैरह जो भी हैं एकदम से, उनकी आप अच्छे से केयर कर रहे होंगे दोस्तों। तो रात दोस्तों बहुत सारी बारिश पड़ी है, जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया पूरे गमलों में पानी भरा रखा है, वो देखिए वहाँ। और अभी तक मैंने अपने बर्ड्स को नहीं खोला, तो चलिए फटाफट से अपने परिंदों को खोल लेते हैं, तो दाना वाना देते हैं और देखते हैं बारिश में कहीं अंदर पानी तो नहीं गया। वैसे तो हमने ये जब सेटअप तैयार किया था, ये पूरा सेटअप बहुत मेहनत से और बहुत ज़्यादा लगन से, बहुत ज़्यादा सेफ्टी से तैयार किया था, मगर मैं देख रहा हूँ पानी यहाँ भरा हुआ है और पानी यहाँ साइड में भी आया हुआ है ना, इस पानी की मैं जा रहा हूँ ये देखें यहाँ पर, और ये गेट बराबर हवा से लग रहा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है दोस्तों। इस हवा को मैं अभी ठीक करता हूँ, इस गेट को मैं बंद कर देता हूँ, ये बंद कर दिया मैंने तो जी दोस्तों। दूसरी बात ये, इस पानी को फेंक देता हूँ, अगर मैं कबूतर खोलूँगा तो होगा क्या, हमारे जो कबूतर है ना सारे, ये इस पानी को पियेंगे। तो जी सफाई तो काफ़ी अच्छी हो गई है, पानी भरा हुआ है यहाँ भी, और रात देखिए हवा इतनी चली है बारिश के साथ, ये बाहर निकल गया यहाँ से, ये हमने बांधा हुआ था रस्सी से, और वो देखिए वो आधी बाल्टी भरी हुई है। चलिए दोस्तों फटाफट से करते हैं इस काम को, कबूतर को खोलते हैं, मगर उसके पहले हम इसको भी थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं यहाँ से, ये जो है ना, ये इसको भी टब को थोड़ा रख देते हैं, हवा नहीं नहाएंगे फिर इसको देख के, ठंड तक पड़ रही है, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अभी मैं कबूतर खोलने लगाऊँ अपने, और कबूतर खोलने के बाद आपको दिखाऊँगा कि हमारे कबूतरों की कंडीशन क्या है। तो जी भाई पहले रख देंगे इसे हटा कर यहाँ पर, फिर रख देंगे इसे हटा कर यहाँ पर, फिर रख देंगे इसे हटा कर यहाँ पर, और अब करेंगे हम क्या, इसको खोलना स्टार्ट। दोस्तों हवा देख सकते हैं आप कितनी देर चल रही है। दोस्तों मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हमारे कबूतर सारे बिल्कुल सेफ हैं, और आप देखेंगे कहीं भी अंदर पानी गया नहीं है, सारे कबूतर अपने अंडों पर बैठे हुए हैं, बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हिस्से हैं, और माशाल्लाह सभी कबूतर हमारे एकदम परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट से इन्हें खोल देते हैं, ताकि ये लोग भी फटाफट थोड़ा सा बाहर के मौसम का नज़ारा ले लें, क्योंकि बारिश, ठंड की बारिश में आज ये पहली बार खुल रहे हैं, और आज हो गई है हल्की हल्की ठंड, और हल्की हल्की धूप भी निकल गई है दोस्तों। सो ये फटाफट तुम बाहर आ जाओ, जल्दी जल्दी से सभी बाहर आ जाओ। दोस्तों बारिश का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी देखिए यहाँ पर कितना भरा हुआ है, किस कदर भरा हुआ है, ये पूरा बहुत बारिश पड़ी है भाई, यार इतनी बारिश पड़ी है कि मैं क्या बताऊँ कितनी बारिश पड़ी है। ये बिखेर देते हैं, ये सारे कबूतर काफ़ी खिलखिला रहे हैं, मौसम का पूरा लुत्फ़ उठा रहे हैं, और कुछ कबूतर हमारे आसमान में उड़ गए हैं। तो अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सिराजी के बच्चे हैं काफ़ी बड़े होने लगे हैं, और काफ़ी दिनों के बाद मैंने इन्हें देखा है, और आजकल मैं अभी इन्हें बाहर निकाल के आपको दिखाएंगे, बाकी देखिए कितने प्यारे बच्चे निकले, दोनों काफ़ी बड़े हो गए। और वहीं आप देखेंगे कि हमारा जो ये वाला जो पेयर है ब्राउन पिजन का, इसके भी अंडे रखे हुए हैं, और वहीं सामने देखिए आपको एक बच्चा और दिखाई दे रहा होगा, वो देखिए वो बैठा है, तो बहुत अच्छी ब्रीडिंग चल रही है, आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छे बच्चे निकल रहे हैं हमारे यहाँ, और सारे कबूतर बहुत ज़्यादा खुश हैं कि, और पूरी मस्ती के साथ। बाकी थोड़ी इस वक्त गाइस वो देखिए सामने छत पर कितना पानी भरा है, अब चलेगा पता आपको कितनी बारिश पड़ी है रात में, हैं वो देखिए सामने, और हमारे कबूतर जा लगे हैं छत को छोड़कर आसमान में। तो दोस्तों मैं ना अभी अपने कबूतर को दाना नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अभी ये थोड़ा घूमे फिरे ऐसे, उसके बाद इन्हें दाना दूँ, ताकि थोड़ा इनका टेम्परेचर ठीक हो जाए, वजह से एकदम से बाहर से आकर दाना खाएंगे तो फिर वो सही नहीं रहेगा, थोड़ा सा आज इन्हें घूमने देते हैं, क्योंकि मौसम ठंडा है थोड़ा सा, बाकी हवा चल रही है, हवा की ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है देखिए, और मैं भी आज केवल टी शर्ट में ही हूँ, वरना मैं अक्सर जैकेट पहन कर रहता हूँ, आपने देखा होगा। अभी की कंडीशन क्या है कि हमारे बच्चे बाहर आने लगे हैं, देखिए ये बच्चा बाहर आ गया है, कितना प्यारा है हमारा जो निकला है नया वाला,
और वो एक वाइट वाला बच्चा ही अपने आप बाहर आ गया, अपने आप से बाहर आ गया। और हमारी जो ये फीमेल है राजा की, ये फीमेल भी राजा की हमारी अपने आप पानी पी रही है इस वाले गमले में आकर के। और बाकी जो कबूतर उड़े हैं वो दिखा देता हूँ अभी कहाँ पहुँच चुके हैं, अभी काफ़ी आगे जा चुके हैं। ये देखिए वो सारे ये उड़ रहे हैं आसमान में। आज तो तेज़ हवा के साथ हमारे कबूतर चल रहे हैं दोस्तों, और मुझे लगता है इनमें कोई कबूतर नया है। अगर रावी यहाँ है तो फिर कबूतर नया है, और रावी नहीं है तो फिर कबूतर पड़ा दोस्तों। हवाई रावी अंदर है, वो देखिए सामने सुल्तान के साथ है, मगर ये कबूतर इसमें नया है किसी का। ये देखिए ये चल रहा है बीच में, 1 2 3 तीसरे नंबर पे चल रहा है, कहीं जंगली तो नहीं। और एक बच्चा और आ गया जिसके बच्चा नहीं पूरा इसके कलर लगा हुआ है दोस्तों। वो देखिए ऊपर आप देख रहे हैं ना ऊपर, वो देखिए वो जा रहा है, इसकी पूंछ कटी हुई है वो वाला बच्चा काला, उसके कलर लगा हुआ है। और अभी के लिए कबूतर साथ मुझे लगता है दाना दे देना चाहिए, क्योंकि ये सब पानी दाना ढूंढ रहे हैं, जो उधर खाएँ गलत तो इससे बढ़िया के दाना दे देते हैं प्लीज। ठीक है चलिए दोस्तों अपने कबूतर को देते हैं दाना, और दाने के बाद इनको फिर हम देंगे खाना। तो जी अभी मैं दाना लेकर आ गया, और दाना दूंगा मैं इस वाली लाइन में जहाँ पर ये साफ सी लाइन है क्लीन सी, ताकि ये सब यहीं पर आकर दाना वाना खा सके आराम से। और तो लंबा कर देता हूँ यहाँ तक, वो देखिए दोस्तों दाना वाना वहाँ दे दिया, कुछ दाना मैं इस वाली लाइन में दे दूंगा ताकि ये ना एक दूसरे से लड़े ना, और यहाँ पर दाना आराम से खा सकें। कुछ दाना मैंने यहाँ दे दिया है दोस्तों, ठीक है अभी आराम से खाते रहेंगे। और हम लोग करते क्या है, बाकी दाने को यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं नीचे की तरफ, ये देखो। तो अभी हमारे सारे कबूतर आराम से दाना खा रहे हैं दोस्तों, जो कबूतर ऊपर है वो भी आने वाले होंगे, आ जाएंगे। बाकी एक नया कबूतर, एक नहीं दो नए कबूतर हैं, एक गोरा ऊपर एक आठ कबूतर, बहुत सारे आ गए दोस्तों, पता नहीं किस किस के आ गए हमारे छत पर, छत के ऊपर उड़ रहे हैं जो कि। बाकी जो हमारे पर्सनल कबूतर हैं वो सब उड़ रहे हैं, और नए कबूतर जो है साथ में लगे हुए हैं। तो जी देखिए कितनी मैंने सफाई से दाना दिया है, आज हमारे तीन कबूतर इधर दाना खा रहे हैं, और बाकी के हमारे कबूतर जो है उधर देखिए उधर दाना खा रहे हैं, सब मिलजुल के है ना। दोस्ती बनाकर रखो, मिलजुल के रहो, ठीक है भाईचारे में रहो, आपस से लड़ना झगड़ना झगड़ना मत, आराम से दाना खाओ। और ये माशे को देखिए, ये आजकल बड़े क्या हुए हैं, अपना दम जोर दिखाने लगे हैं, अपनी बहादुरी में यहाँ भी बैठ सकता हूँ, मैं वहाँ भी बैठ सकता हूँ। दोस्तों हमारे जो तीनों बच्चे थे ना दुबार जो थे, बड़े प्यारे से निकल रहे थे फैंसी, वो तीनों बच्चे बाहर आ चुके हैं, जिसमें से एक बच्चा ही बराबर खड़ा है, देखिए वो बैठ गया उठ के नीचे है ना, हवा की जोर से हवा बहुत, देखिए दोस्तों हवा बहुत ज़्यादा तेज है। और बाकी के दो बच्चे, एक वहाँ दाना खा रहा है और एक ये एक ये रहा, ठीक है ये दो बच्चे बिल्कुल एक से हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, बाकी भी एक वाइट निकला है बिल्कुल फैंसी, वो सामने है। तो फाइनली ये अपने आप ही बाहर निकल आए हैं, हमने इन्हें निकाला नहीं है। और हम यार हवा इतनी ज़ोर से चल रही है ना, क्या बताऊँ, उसको गेट को फिर से लगाता हूँ एक बार, तभी ही बात बनी है। हाँ जी तो जी ये तीनों बच्चे अपने आप बाहर निकला है, क्योंकि मैं आपसे कह रहा था। और बाकी आजकल हमारा जो पंजाबी मेल है बहुत परेशान रहने लगा है, क्योंकि इसकी फीमेल को हमने इसके पास से हटा दिया, इसकी जो फीमेल थी वो थी हमारी क्या बोलते हैं सिम्बी, और सिम्बी को हमने हटा कर इसके अलग कर दिया, तो ये बेचारा परेशान रहने लगा है। इसलिए एक मिनट रुके दोस्तों, मैं इसको सेट कर देता हूँ, ये कबूतर उड़ रहा है बार बार, तो मैं इसको यहाँ पर इसका उड़ना बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो जी मैंने उसे अब ठीक से दबा दिया है, ईंट वगैरह उसे रख दिया, एक ईंट मैंने वहाँ रख दिया और एक ईंट मैंने रख दिया यहाँ, जिससे ये लोग दब चुके हैं, मतलब ये दब चुका है, अभी हवा में उड़ेगा नहीं। और हमारे कबूतर सारे पहुंच गए हैं वहाँ दाना खाने के लिए, जो बच्चे बुचे भी थे, ये लाइन भी फुल हो गई दोस्तों, और ये वाली लाइन भी फुल हो गई है। और हम कर लेते हैं ऊपर वाले कबूतर के बाद एक बार फिर से, तो दोनों कबूतर ये चल रहे हैं इधर, ठीक है। और जिनमें बादल है, ये बादल नहीं है, बादल तो नीचे है, बादल यहाँ दिखाई भी नहीं दे रहा है मुझे दोस्तों, मैं कैसे कह दूँ बादल यही है। हाँ और कबूतर, बाकी भी कबूतर नहीं दिखाई दे रहे, आ गए आ गए आ गए, हाँ बादल हैगा ऊपर, सबसे ऊपर है वही है ऊपर बादल, वो देखिए। तो जी बादल, मुझे लगा था दोस्तों कि बादल जो है हमारा शायद यहाँ पर नहीं है, तो शायद चला गया होगा, मगर वो बादल हमारा ऊपर उड़ रहा है, जो कि मैंने अभी ध्यान से देखा तो मैं दिखाई, ध्यान से देखने पर दिखाई दिया। बाकी फाइनली कबूतरों की फ्लाई देखिए, सबसे ऊपर चल रहा है वो बादल ही चल रहा है दोस्तों, वहाँ देखिए ऊपर है ना, बाकी कबूतर भी बहुत अच्छे से उड़ रहे हैं सारे हमारे। और आज रात बारिश का क्या कहर कह रहा है वो आप देख ही सकते हैं, बाल्टी के अंदर पानी पूरा भरा हुआ है फुल तरीके से, वाह वाह क्या बात है। वही इनको गीली राख में थी, बताना क्या निकालना पसंद है, गीली राख में भी लगे हुए हैं, बवाल किया हुआ है इन कबूतरों ने हमारे, बवाल किया हुआ है इन कबूतरों ने हमारे। और मैं दिखा दूँ दोस्तों आपको, रुकिए सामने सामने आप देख रहे होंगे दोस्तों, जहाँ गीली जा रही है वहाँ पर तीन अंडे रखे होंगे, आप देख रहे होंगे, ठीक है मैं दिखाता हूँ। ये देखिए तो दोस्तों यही तीन अंडे रखे हुए हैं, आप सोचेंगे तीन अंडे यहाँ क्यों रखे हुए हैं, कबूतर तो हमें तो दो अंडे देते हैं, तो इसका भी कुछ है सस्पेंस, तो सस्पेंस जो भी है वो आपको बताऊंगा बाद में कुछ टाइम के बाद, अभी सस्पेंस को सस्पेंस रहने देते हैं, सस्पेंस को रहने देते हैं सस्पेंस, और बाद में आपको खोलते हैं इसका राज क्या है। तो फिर दोस्तों उसकी एक लंबी कहानी है तीन अंडे क्यों हैं, बाकी तो बताएंगे बाद में आपको। और फाइनली हमारे दोनों बच्चे
सिराज जी के बाहर देख रहे हैं कि कब इनके माँ बाप इन्हें खाना लाए, दाना लाए, उनको खिलाएंगे। तो अभी इनको कपवानी भी दे ही देते हैं। चलिए दोस्तों, वैसे भी तो जी ये आ गया सादा पानी, निकले ताज़ा पानी और ये पियेंगे, यहाँ पे फिट रहेंगे। तो जी पानी दोस्तों मैंने इनको रख दिया है। और मैं बता दूँ इन नालायकों ने क्या काम करा है, ये सारे बेवकूफ़ हमारे कबूतर हैं, कि इन्होंने क्या है, क्या इन्होंने वहाँ जाकर अपना नहाना स्टार्ट किया, वहाँ पानी भरा हुआ है और आकर यहाँ बैठ गए। अब इनको ये पूछ रहा था भाई, इनको ठंड लगेगी, तबीयत ख़राब हो गई इनकी, तो फिर ये कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। और इनको क्या है, इनको कोई परवाह नहीं है ना सर्दी की ना ठंड की, कोई बात नहीं। तो फिर दुआ की थी इनको सब्जियाँ लगे, हमारे बच्चों को बड़े प्यारे से हैं। और मैं आजकल सोच रहा हूँ दोस्तों, ये जो मेल है हमारा, ये इसका जो इसकी जो फीमेल थी वो बड़ी वाली सिराजन थी जो लास्ट टाइम एक्सपायर हो गई थी। तो सोच रहा हूँ इस मेल को यहाँ से हटा दूँ, या फिर ऐसा करूँ कि इसको खाने को छोड़कर यहाँ इधर शिफ्ट कर दूँ और हम ऊपर अपने बॉब को ले आएँ। क्योंकि आप जैसा कि जानते ही हैं, जब से बॉब नीचे गया है और नीचे जब अपने फीमेल के साथ है, तो क्योंकि अगर वो दोनों साथ रहेंगे तो उनकी जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कवर नहीं कर पाएंगे हम उसे। तो हम ऐसा करेंगे कि या तो अपनी फीमेल को ऊपर लाकर छोड़ देंगे या फिर बॉब को ऊपर लाकर छोड़ देंगे, यानी फीमेल मेल में से किसी एक को ऊपर लाकर छोड़ देंगे। तो भी वही मैं सोच रहा हूँ, इस वाले मेल को यहाँ से ले जाकर या तो नीचे छोड़ देंगे या फिर यहाँ से ले जाकर इस साइड में डाल देंगे, ठीक है। तो वो देखेंगे बाद में। बाकी फाइनली सिराजन पहुँच चुकी है अपने बच्चों को फीड देने के लिए, क्योंकि अभी अभी राजा बाहर आया था कुछ टाइम पहले फीड खिलाकर। और अब जो है बारी है हमारी फीमेल की। राजा बहुत ज़्यादा सब्ज़ी खा रहा है भाई दोस्तों, जब से मुझे पता लगा ये सब्ज़ी खाने का शौकीन है, तब से मैंने इसको सब्ज़ी ला के रोज खिलाता हूँ मैं। इसने अपना पूरा फेस गंदा कर लिया है। इसके साथ साथ बाकी कबूतर भी सब्ज़ी खाने लगे हैं, वो सब भी नीले पीले हो रखे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। देखिए बच्चों को इस सब्ज़ी की बनाई मिलती है, तो इस तरह से ये लोग तरी वाली सब्ज़ी बहुत पसंद करते हैं। और सिराज ने स्टार्ट हुई फिर अपने बच्चों को खिलाना और पेट भर के खाना खिला रही है दोस्तों। अभी ये जो बच्चा है, ये जो बच्चा ऊपर बैठा हुआ है जाल के ऊपर, ये बच्चा जो है ना हमारा, ये बच्चा ऐसा है जो कि हमारी सिराजन फीमेल थी जो कि एक्सपायर होगी शायद, उसके साथ इसका पेयर लगाया था हमने, ब्राउन वाला जो पिजन वहाँ बैठा हुआ है अंदर अंडों पे, ये इन दोनों के क्रॉस से निकला था, मतलब उन दोनों की कैसे बताऊँ मैं, जोड़ा लगाया था उनका बच्चा है। और इसके पैरों पर मैं अब देख रहा हूँ कि कुछ विंग्स आने स्टार्ट हो गए हैं, और अगर इसके पैरों पर विंग्स आ जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ब्रीड होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे पास पीले कबूतर ब्राउन है तो सही, पर किसी के भी पैरों पर विंग्स नहीं है जैसे कि ये बैठा हुआ है। तो बस हल्के हल्के विंग्स भी दिख रहे हैं, बाकी ये विंग्स अगर पूरे आ जाते हैं जैसे हमारे सिराजी के ऊपर है, जैसे कि राजा के ऊपर है, राजा दिखाता हूँ कहाँ है, राजा वो बैठा है सामने या सिराजी वो झगड़ा कर रही है वहाँ सामने, ऐसे विंग्स आ जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नायाब हो जाएगा हमारे लिए, है ना। और आजकल दोबारा हमारा जो है ये भी अपनी पूरी इस वक्त मतलब मस्ती में है, हमारी फीमेल कहाँ है इसकी वजह मैं दिखाता हूँ, वो देखिए सामने बैठी है। उम्मीद करता हूँ जल्दी ही एग्स वगैरह रख देगी इसके साथ मिलकर, क्योंकि जोड़ा बहुत ज़बरदस्त लगा है। और वही गिरेटी भी एक बार फिर से एग्स की तैयारी पर आ रहा है, वो भी बहुत इस वक्त जो फीमेल है उसको परेशान कर रहा है, उसको सिर में चोंच मार मार के कि आप अंडे दें फटाफट से और मैं एक बार फिर से अपने बच्चों को बड़ा करके पालूं। तो फिर ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेट्स का ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।